नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केणो हाले, केम छो, कसक काय। सो गाइज, हर बार की तरह, हर हफ्ते की तरह आज नए सफ़र पे हम लोग निकले हैं, नए ट्रैक पे हम लोग निकले। और आज का जो हमारा टारगेट है वो है भैरवगढ़ फोर्ट। वन ऑफ द डेंजरस और वन ऑफ द एडवेंचरस ट्रैक होने वाला है, और इसके लिए हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, बहुत दिन से नहीं हो रहा था। इसके लिए कोई पार्टी नहीं मिल रही थी, कोई ट्रेकर ग्रुप नहीं आ रहा था, बट एक महादुर्ग ट्रैवल करके ट्रेक ग्रुप मिला है, तो इस वीक हम लोग निकल पड़े हैं। सबसे पहले यहाँ पहुँचने के लिए कल्याण से आना पड़ेगा। कल्याण से जो मालसेज घाट का रास्ता निकलता है, जो आप देख रहे हैं पीछे, जो पीछे की तरफ रोड है, ये मालसेज घाट का रोड है। मालसेज घाट रोड पे एक होटल है, यहाँ पे भैरवनाथ होटल। इसका लोकेशन आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ पे रुकने का। और यहाँ पे ये बेस विलेज, यहाँ से ट्रेक स्टार्ट होता है, बाकी का देखते हैं आगे। खतरनाक शेप है ये। हाँ, ये तो ऐसा शेप हम लोग। ओह, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात गाइस। हाँ हेलो, 2 मिनट। सुबह के 6 बज गए हैं और हम लोग अभी ट्रैक चालू करने वाले हैं। सेफ्टी ब्रीफिंग वगैरह, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट सब मिल गया है। और अभी 1.5 घंटे का ट्रैक है, फिर उसके बाद रॉक कट, क्लाइंब और वो सब आता है। सो चालू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। मिस्टर प्रांतक भैरवगढ़। ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये भैरवगढ़ है। पहला प्लेटू आ गया। हर बार की तरह इस बार नहीं हुआ है गाइस। इस ट्रैक में 70% ट्रैक एक ही झटके में कंप्लीट किया बिना रुके। 2 प्लेट्यू सीधा स्किप कर दिया, बहुत ही थक गए हैं। और फिर भी एक लास्ट ढलान भी बाकी है, ये कंप्लीट करके फिर भैरवगढ़ का रॉक स्टेप चालू होगा। जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना थकते हैं, और जितना थकते हैं उतना खूबसूरत नज़ारे देख के सुकून मिलता है, थकान महसूस नहीं होती है। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त। घने जंगलों से गुजरना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। पूरा इचिंग है, प्लांट्स एंड मच्छर बहुत है। क्या खतरनाक, जबरदस्त। और रॉक ऊपर बैठे फोटो निकालेंगे हम लोग। जबरदस्त नजारा है, मतलब कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। टोकीले नुकीले पहाड़, पूरा पथरीला व्यू, मतलब जज्बात बयां नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जबरदस्त। आइए गाइस एक बार देखिए, दिस इज सह्याद्री, दिस इज सह्याद्री मेरी जान, इट इज कॉल्ड सह्याद्री। अरे उधर भी जाकर फोटो निकाल सकते हो, वही बोला ना आपको, ऊपर जा सकते। दिल के जज्बात बयां करने के लिए रील निकालना पड़ेगा, मेरे पास शब्द खत्म हो गए। हाँ, सो गाइस, फाइनली हम लास्ट प्लेटू पे पहुंच चुके हैं, और अभी जो मेन ट्रेकिंग चालू होगा, जो खतरनाक पैच अभी है वो हमें चढ़ना है, ये वाला, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है, यही भैरवगढ़ है। इसको गिरिदुर्ग इसका नाम है, यही अभी हमें चढ़ना है। और यहाँ से जो नज़ारा हमें मिल रहा है वो वाकई लाजवाब है, मतलब कि नज़ारों की नज़ाकत देखिए दोस्तों, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। सुबह सुबह उठ के, रात को आए, रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, सुबह सुबह उठ के देखा तो ऐसे नज़ारे दिख रहे, मतलब कि बोल ही नहीं सकते, मतलब क्या बोलेंगे अभी। हाँ, पूरा जंगल है, मतलब
रॉक कट चालू होने से पहले थोड़ा सा जंगल का ट्रैक है। हाँ, और नज़दीक आते जा रहे हैं मंजिल के, और अभी यहाँ से पूरा क्लियर है, यही चढ़ना है, और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही चढ़ना है एकदम सीधा सीधा बिल्कुल। देखते जाइए। मजा आ रहा है। अरे यार ये देखो, इधर देखो, पहला पैच खत्म होने के बाद दोस्तों ये नजारा बहुत ही स्टीफ है, चढ़ने में बहुत ही मुश्किल है, रस्सी पकड़ के पत्थर पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन चढ़ना तो है। पहला डेस्टिनेशन वो खिड़की कपार, वहां जाके बैठेंगे, फिर आगे रस्सी बांध के और आगे बढ़ना है। अरे यार बहुत मुश्किल में चढ़ना पड़ रहा है, इधर देखो ना, देखो ना लेफ्ट साइड में, लेकिन चढ़ रहा है अभी, क्या कर सकते हैं। ये फॉग नहीं, क्लाउड है। पीछे देखिए किस तरीके से हम आसमान के ऊपर आ गए, और अभी जो मेरे पीछे दिख रहा है ये हमें चढ़ना है सीधा सीधा। चलते हैं, घर तुम चाहिए घर ना, अप्रतिम खतरनाक नजर है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ से थोड़ा नीचे जाके फिर आगे ऊपर जाना है, तो रिस्की है, बिना बिना ग्रिप डाले तो हम लोग जाएंगे नहीं, फंसा दिया लॉक्ड। दोस्तों ये माउंटेनियर लोग हैं और ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी बांधने का जुगाड़ कर रहे हैं, रस्सियां बंधेंगी फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। क्या कर सकते, अरे यहाँ बेड़े कौन फोन करते है। रॉक क्लाइम्स बहुत ही रिस्की, भैरवगढ़ का ये पैच इधर देखेंगे। इट्स वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस गाइस, एक बार आओ भैरवगढ़। एक रफ पैच संपल्यानंतर खत्म होने के बाद एक कुंड जैसा है जिसमें भी पानी नहीं है, और आगे एक और रफ पैच है सीढ़ियों का, बहुत ही मुश्किल है।
इसमें एक रूल है, आप ये लॉक ऐसा एक हाथ से नहीं लगा सकते, एक हाथ से आपको यहाँ ग्रिप बनाना पड़ेगा, फिर एक हाथ से ये खोल के आगे वाले में पास करना पड़ेगा। फाइनली कर दिया टॉप ऑफ भैरवगढ़, भैरवगढ़च्या टॉप वरती एकदम आपण आलेलो आहे। भैरवगढ़ के टॉप पे हम लोग आ चुके हैं अभी। वाह, जबरदस्त नजारा है जो नीचे से एक छोटा सा पत्थर का दिखता है, वो यही है गर फिरदो से जमीअस्त हमीअस्त हमीअस्त हमीअस्त। अगर जमी पे स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हाँ, फाइनली आखिरकार हम लोग भैरवगढ़ के टॉप पे है, शिखर पे है, और यहाँ से जो नज़ारा मिलता है शब्द है ही नहीं, मतलब एक्चुअली में शब्द है ही नहीं उसके लिए। बहुत ही लाजवाब यहाँ से व्यू आता है। तो अभी डिसेंडिंग चालू करते हैं, नीचे निकलने के टाइम पे, अभी उतरने के लिए चढ़ने के लिए तो सीढ़ी से आए थे, अभी नहीं उतरने टाइम पर रैपलिंग करके उतरेंगे, मज़ा आएगा वो भी एक, अभी उतरने में भी मज़ा है। सो गाइज, आज का ट्रैक यही ख़त्म होता है। अभी पूरा नीचे नहीं उतरे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं भैरवगढ़ फोर्ट, ऊपर में इसका स्ट्रक्चर, इसका विड्थ और लेंथ ज़्यादा है, नीचे का जो विड्थ है इसका बहुत पतला है, मतलब अपने आप में ये एक अलग कलाकृति, अलग ही नेचर से बना हुआ है, प्रकृति की खासियत आप इसको बोल सकते हैं। तो अभी ट्रैक हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय भवानी, जय शिवराय।